अलगाववादी नेता यासिन मलिक और उसके सहयोगी रफीक पहलू 1989 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रुबैया सैयद के अपहरण के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुरुवार को एक विशेष अदालत में पेश हुए। सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल और सीबीआई की चीफ प्रोसिक्यूटर मोनिका कोहली ने बताया कि अदालत में जांच किए गए दो चश्मदीदों ने मामले में एक अन्य आरोपी के रूप में अली मोहम्मद मीर की पहचान की है। 1989 के रुबैया सैयद अपहरण मामले में दो गवाहों से पूछताछ की गई, जिन्होंने एक आरोपी अली मोहम्मद मीर की पहचान कर ली है। मोनिका कोहली ने बताया कि सुनवाई की अगली तारीख 14 दिसंबर तय की गई है। अधिक जानकारी देते हुए सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एसके भट्ट ने बताया कि दो गवाहों से पूछताछ की गई है। अली मोहम्मद मीर, जो यासिन मलिक के बाद अपहरण मामले में मुख्य आरोपी है, रुबैया सैयद को अपने वाहन में श्रीनगर से सोपर ले गया था और वहां एक गेस्ट हाउस में उसने रखा था। भट्ट ने बताया कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासिन मलिक और रफीक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए। यासिन मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और वे आतंकी वित्त पोषण मामले में जेल की सजा काट रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के कारण उसके आंदोलन को प्रतिबंधित करने के कारण उसे अदालत में पेश नहीं किया गया था। भट्ट ने कहा कि कश्मीर घाटी में आतंकवादी तंत्र को पुनर्जीवित करने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद रफीक श्रीनगर की सेंट्रल जेल में बंद है। घाटी में प्रतिबंधित JKLF और अलगाववादी गठबंधन हुरियत कॉन्फ्रेंस को पुनर्जीवित करने की साजिश से जुड़े मामले में जुलाई में एक होटल से गिरफ्तार किए गए 10 आतंकवादियों में रफीक उर्फ नानाजी भी शामिल था। भट्ट ने बताया कि 1990 में श्रीनगर में एक आतंकवादी हमले में 4 भारतीय वायु सेना कर्मियों की हत्या से जुड़े एक अलग मामले में अदालत ने पहचान के लिए एक गवाह को बुलाया था, लेकिन वे अस्वस्थ होने के कारण पेश नहीं हो सका। अदालत ने भारतीय वायु सेना हत्या मामले में सुनवाई की अगली तारीख 14 दिसंबर तय की है। 1989 में रुबैया सैयद के अपहरण मामले में मलिक, रफीक और 8 अन्य के खिलाफ अदालत ने 11 जनवरी 2021 को आरोप तय किए थे।